नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो कि बाहर से तो मंगवाते हैं बहुत महंगी आती है, पर हम घर पे कम खर्च में बना के पूरे परिवार के साथ पी सकते हैं और पीने में भी बहुत टेस्टी है और बनने में भी बहुत आसान है और दो चीजें ये बन जाती है। आज हम बना रहे हैं काजू और अंजीर का शेक, जो कि आराम से अपने घर पे बना के पूरे परिवार के साथ बैठ के पी सकते हैं। इसके लिए लिए हमने 7 अंजीर है, अंजीर एकदम फ्रेश लें, पुराने ना लें, और ये 10 से 15 काजू है। इनको हम 2 से 3 बार वॉश करके भिगो के 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे, फिर हम इनको पीस के शेक बनाएंगे। अंजीर को हमने धो के डबल पानी डाल के भिगने के लिए रख दिया है। 2 से 2.5 घंटे बाद हम इसे वापस चेक करेंगे। 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। अंजीर हमारे अच्छी तरह से भीग गए हैं, काजू भी भीग गए हैं। अब हम इनको मिक्सी के जार में लेके पीस लेते हैं। इसमें से एक अंजीर हम बचा के रखेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, हमने लिया है 1 ग्लास दूध, यानी कि ये 250 ग्राम दूध है। हम इसको अभी आधा ही ऐड करेंगे इसमें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच शुगर। आप यदि शुगर कम खाते हो तो कम ले सकते हो, और ज्यादा खाते हो तो थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हो, वो अपने टेस्ट के हिसाब से है। अब हम इसे पीस लेते हैं। इसको हमने पीस लिया है, अभी ये गाढ़ा है इसलिए हम बाकी दूध भी इसमें ऐड कर देंगे और वापस से एक बार मिक्सी को चला देंगे। ये हमने पीस लिया है बारीक। अब हमने जो एक अंजीर बचा के रखा था उसके बारीक पीसेस कर लेते हैं। इसके हमने ऐसे बारीक पीस कर लिए हैं जो हमारे डेकोरेशन में काम आएंगे। यहाँ हमने 2 लिए ग्लास और इनमें शेक को ऐड करेंगे। ऊपर से हम ऐड करेंगे जो हमने अंजीर के पीसेस कटिंग करके रखे थे वो। ये शेक आप पीने में थोड़ा गाढ़ा लगे आपको तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूध ऐड कर सकते हो, ताकि इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और पीने में भी थोड़ा आपके हिसाब से हो जाएगा। ये हमारा अंजीर शेक बन के रेडी। गर्मी है और आपको ज़्यादा ठंडा पीना हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें फिर पिए, और नॉर्मल आपको पीना हो तो आप अभी भी पी सकते हो। पीने में भी बहुत टेस्टी है और कम खर्च में बनने वाला शेक है, पर हम इसे बाहर से ज़्यादा खर्च करके लाते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आगे का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे।